श्रीलंका के पहाड़ों को देखने के बाद मैं पहुंच चुका था श्रीलंका के तट पर, जहां पर मैंने ट्राई किए कुछ श्रीलंकन फूड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। What's up guys, welcome back to the channel। और अभी मैं हूँ इस समय एला में एंड आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2019 और आज हम लोग जा रहे हैं मेरीसा। तो उससे पहले जिस हॉस्टल में हूँ वहाँ पर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री और थोड़ा खा पी के फिर चलते हैं। यहाँ पास में एक बस स्टॉप है मेन रोड पर, तो वहीं बैठा हूँ अभी। अब यहाँ से एक बस लेनी है, मात्रा एक जगह है वहाँ तक के लिए बस लेनी है, 3-4 घंटे की राइड है, उसके बाद शायद आधे घंटे की और राइड है, वहाँ बस चेंज करना है मेरीसा के लिए। अभी मैं वलैया में हूँ और 1 घंटे का रास्ता था एला से। अब यहाँ से हम जाएंगे मातरे से फिर चेंज करेंगे बस मेरीसा के लिए। तो अभी भी 3-3.5 घंटे का रास्ता बाकी है, अभी 1 ही घंटा पूरा हुआ है। यहाँ 100 रुपीज़ में ही दे रहे हैं। 100 रुपीज़ हाउ मच? अब इस बस में गाना बजा दिया तो बड़ा मजा आ रहा है, बिना गाने के बस से मजा ही नहीं आता यार। अब ये देख रहे हैं कहाँ टीवी चल रही है, मजा आ रहा है। तो 40 इंडियन रुपए में ये बड़े मिल गए, तो ये खा ले रहा हूँ। तो बस अभी पहुंच गया हूं मेरीसा के बस स्टेशन पर और ये कोस्ट लाइन पर है एकदम। तो अब हम लोग पहाड़ी इलाके से आ गए हैं समुद्र के तट पर और यहां से मैं जा रहा हूं बस लेने मेरीसा के लिए। देखता हूं कहां मिल रही है मेरीसा वाली बस। तो बस यहां से मेरीसा 11 किलोमीटर है, आधे घंटे लगभग लगेंगे और पहुँच जाएंगे हम लोग अपने हॉस्टल की। तो बस पहुंच गए अपने वही जहां पहुंचना था, अपना डेस्टिनेशन यानी कि मेरीसा। एंड यहां से हॉस्टल अभी 5 मिनट का रास्ता है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल। एंड विद मी देयर इज वन सोलो ट्रेवलर, ही फ्रॉम फ्रांस, ही इज फ्रॉम फ्रांस। व्हाट इज योर नेम बडी? यासीन। या ओके, आई एम दिव्यांश, नाइस टू मीट यू। या एंड हाउ वाज द राजस्थान? इट वाज नाइस, इट वाज गुड, वेरी गुड। या so you went to Rajasthan or any other state? Only Rajasthan and Agra. And Agra, okay. Yeah. So how did you find Taj Mahal? It was very nice. Awesome. It was a highlight of my trip. Yeah. Okay. बस अब 50 मीटर और है, उसके बाद आ जाएगा हमारा हॉस्टल। हॉस्टल का नाम है मिस्टर हॉस्टल मेरीसा, नाम है मेरे हॉस्टल का। ओके, तो आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं निकल गया हूँ टूर बुक करने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर वेल वॉचिंग टूर्स होते हैं, जो कि अर्थ की सबसे बड़ी जो मैमल है यानी कि ब्लू वेल, वो देखने को मिलती है उस टूर से। तो मैं अभी जा रहा हूँ उसको बुक करने और मैं जा रहा हूँ अभी बीच साइड पर, तो ये सब देखता हूँ। उसके बाद मेरे को करना है पेट पूजा, तो पहले चलते हैं, पहले टूर के बारे में पता करते हैं 2-3 दुकान पर। एक तो ये है डॉल्फिन्स एंड वेल वॉचिंग और मेरे सामने है मेरीसा का बीच।
मेरे सामने जो लोग जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, वो लोग उनके पास है सर्फ बोर्ड और वो लोग करेंगे सर्फिंग। भाई ये बीच बहुत सही है और दूर में लोग सर्फिंग कर रहा है, उधर लोग नहा रहे हैं, तो बहुत अच्छा ही है। तो फाइनली मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर, एक शॉप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यहाँ पर बुक हो रहा है व्हेल वॉचिंग। और ये हमको ब्रेकफास्ट देंगे, सुबह पिकअप कर लेंगे और हार्बर तक ले जाएंगे, वहाँ से बोट जाएगी, एक घंटे का रास्ता है। 1 hour और हाउ मच टाइम इट वुड टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ सी टू गेट देयर? यू विल सी द, यू विल स्पॉट द व्हेल विद इन 1 hour टू 1.5 hours टाइम। तो वही 10 बजे तक, 11 बजे तक लौट आएंगे हम लोग। तो बस मैं इसको बुक कर लेता हूँ, कल 6 बजे जाना है। बुक कर लिया है कल का टूर और सामने मेरे है एक सुपरमार्ट। चलता हूँ सुपरमार्ट के अंदर, देख लेता हूँ क्या क्या है। और ये आइसक्रीम 90 श्रीलंकन रुपीस। तो यहाँ से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ एग हॉपर। एग हॉपर कुछ ऐसा दिखता है ये। ये है हॉपर, ये है चिकन करी एंड ये है सांभर। यहाँ लॉटरी सिस्टम बड़ा फेमस है, तो इसे लॉटरी ले रहे हैं, लॉटरी का टिकट ले रहे हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं एक शॉप जहाँ पर मैं शाम को खाने आया था वहीं पर अभी फिर आ गया हूँ। और यहाँ से मैं वेजिटेबल कोटू ऑर्डर किया हूँ। कोटू एक डिश है जो कि कह लीजिए रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके बनती है, तो वो मैंने मंगाया है। 300 श्रीलंकन रुपीज़ का है, तो नियर अबाउट 120 रुपीज़ के आसपास हुआ। तो खा ले, तो यही आज का डिनर है, फिर इसके साथ दिन ख़त्म करते हैं। कल फिर से जाना है मिरिसा के हार्बर तक, जहाँ से मुझे करना व्हेल वॉचिंग टूर। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय। ये दुकान आपका कितने बजे खुलता है? 10 बजे। 10 बजे खुल जाता है और कोटू सुबह मिल जाएगा सर? कोटू सुबह मिल जाता है? कोटू कोटू सुबह के नहीं, जो ये सुबह क्या मिलेगा खाने में? 12-1 बजे। 1 बजे का? हाँ, 12 से 1 के बीच में। फ्राइड राइस मिल जाएगा इस तरह? कोटू मिलेगा। ओके, तो इस बार इन्होंने दिया है कोकोनट चटनी, जो कि अभी शाम को है तो नहीं मिला था। अभी इनका अभी बनता है ये आ गया अपना कोटू।
So what is your name? Alicia. Alicia, and she's from Spain. Okay, bye-bye. Bye-bye. Nice to meet you, bye.